हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर फाइन एट योर होम. ओके स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी कंटिन्यू आवर ज्योग्राफी चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 1, रिसोर्सेज. इन प्रीवियस क्लास वी स्टडीड रिसोर्सेज एंड इट्स टाइप्स. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, है ना. एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड इज़ अ रिसोर्स. मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को, हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं, ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हमने 3 टाइप के रिसोर्सेज पढ़े थे, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. इसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज हमारे जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, लाइक एयर, सॉइल, वाटर, और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो ह्यूमन अपने एफर्ट्स से बनाता है, लाइक बिल्डिंग, रोड्स, है ना. अभी हम ने ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है. तो आज हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. नेचुरल रिसोर्सेज भी हम पढ़ चुके हैं. नेचुरल रिसोर्सेज को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया था, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, जो हैं आपके जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जो आने वाले टाइम में मे बी इन फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगी, है ना. तो वो हैं, उनके एग्जाम्पल थे कोल और पेट्रोलियम. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. टुडे वी विल स्टडी अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज. ओके, लुक हियर बच्चों, ह्यूमन रिसोर्सेज. पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो. देखिए स्टूडेंट, पीपल्स जो हैं वो रिसोर्सेज को बनाने के लिए नेचर का सबसे अच्छा यूज़ तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने के लिए वो नॉलेज हो, वो स्किल्स हो, और उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो, ठीक है. दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर स्पेशल रिसोर्स. इसलिए जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बहुत ही स्पेशल रिसोर्स हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं. इसलिए पीपल्स आर ह्यूमन रिसोर्सेज, इसलिए लोगों को, पीपल्स को ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है. क्यों? क्योंकि वो अपनी नॉलेज से, अपने स्किल्स से, इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें, जो भी नेचुरल चीज़ें अवेलेबल है, उसके थ्रू कुछ और ऐसा डेवलप कर सकते हैं जो हमारी नीड्स को पूरा करते हैं. कि एजुकेशन एंड हेल्थ कीप इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स. देखिए अब यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं आपके, एजुकेशन और हेल्थ. तो ये दोनों चीज़ें हैं जो किसी भी पीपल को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. देखिए स्टूडेंट, इस लाइन का मीनिंग यहाँ पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए हमें क्या करना है कि जो पीपल्स हैं उनकी जो स्किल्स हैं उसमें सुधार करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है. और इस तरह से जो लोगों के स्किल्स में इम्प्रूव किया जाता है, तो इस इम्प्रूवमेंट को करना ही हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है. ओके स्टूडेंट्स, और भी सिंपल लैंग्वेज में स्टूडेंट हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द नंबर्स, यानी कि क्वांटिटी एंड एबिलिटीज़. और एबिलिटीज़ क्या, पीपल्स की मेंटल एंड फिज़िकल एबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है. तो उस पर जो डिपेंड करता है वो, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स कह सकते हैं, ठीक है. मतलब लोगों का इंटेलिजेंस क्या है, वो कितने एजुकेटेड हैं, उनका हेल्थ कैसा है, तो इस बिहाफ पे हम उनको ह्यूमन रिसोर्स बोल सकते हैं. देखिए एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं. आयरन और वाज यूज्ड टू बिल्ड मशीन्स. देखिए आयरन जो है हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है जो नेचर से मिला है,
और जिसमें ह्यूमन अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज को यूज़ करके उसे मशीनें बना सकता है ना। सेम एज जैसे कॉटन है, तो कॉटन एक नेचुरल आपका प्रोडक्ट है, बट उसका जो ह्यूमन है उसको अपने माइंड, अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू, अपने स्किल्स के थ्रू उसे यार्न बना सकता है, कॉटन के क्लोथ्स बनते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे ही पॉसिबल है कि जब ह्यूमन अपनी नॉलेज, अपनी स्किल का यूज़ करता है और नेचर, जो नेचुरल रिसोर्स हैं उसको मॉडिफाई करता है, ओके, और ह्यूमन नीड की उससे पूरी हो पाती है, ओके।